वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो यार सब जानते हैं, सब लॉकडाउन चल रहा है, सब घर पे है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, इनोवेटिव करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा यार। बहुत लोगों को पता नहीं, मैं बहुत अच्छा गाना गाने लग गया हूँ आजकल, तो ये लोग सब ट्रेनिंग ले रहे हैं मुझसे। अपने बाप के सामने अकड़ के मत चला करो, क्योंकि उसी ने तुमको चलना सिखाया है। ठीक है, सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो हम सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो यार जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर के अंदर है, मतलब गार्डन में हूँ अभी, आसाम में आया हुआ हूँ, तो क्यों ना गार्डन देखते हैं और थोड़ा सा एक होता है ना कि हम फ्रेश हवा लेते हैं बाहर का, क्योंकि टाउन साइड नहीं जा सकते। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ डैड जा रहा है, डैड को जाना पड़ेगा क्योंकि उनको ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में, और मॉम जाएगी साथ में। मैं ड्राइव करूँ? पापा सी इज टेलिंग यू बंदर। बंदर वही नचाए तो गाड़ी बंदर, हम मदारी है, मदारी है, यो मदारी। मास्क पहनना बहुत जरूरी है आप अगर घर से निकल रहे हो तो। और मैं आपको बता दें, ये तो मेरे हाइट का, मेरे हाइट के जितना ही है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन चलता है, क्या कर सकते हैं। एक्चुअली जो छोटे लोग होते हैं ना, उन लोग के लिए ये जगह, मतलब जो बोने लोग होते हैं उन लोग के लिए जगह है। विदाउट जजिंग एनीवन प्लीज। मेरा दरवाजा खुला है पीछे, पीछे? हाँ, वो बोला आवाज क्यों कर रहा है गाड़ी का। डिक्की, ओह माय गॉड, डिक्की कैसे खुल गया? देखो ये प्रॉब्लम है, जिप्सी का यार। चलो यही बहाने कहीं तो रुका हूँ मैं, बहुत हार्ड है यार, बॉडी बनाने का फायदा नहीं है सर, मिलता नहीं है। हाँ पापा फिर भी आवाज आ रहा है, हो गया वो एक्चुअली सर लूज है, कुछ अभी भी लूज है क्या? थोड़ा सा लूज है उसमें, जोर से मारो, बहुत जोर से मारो, गंदा है जूता में लग रहा है पूरा, तो जोर से मारो। अब मामा टी गार्डन के बारे में कुछ ऐसे बताओ जो आपको यहाँ पे रह के अच्छा लगता है। मुझे तो टी गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी तो लाइफ ही पार होने जा रही है टी गार्डन में। टी गार्डन क्यों नहीं अच्छा लगता? अभी तो यू आर स्वीट 16। 16 तो नहीं हूँ, 50 प्लस हो गई हूँ, लेकिन जो टी गार्डन में रहेगा वो जरूर 60 में भी 30 जैसा ही दिखेगा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट में रह के। तारीफ खुद ही नहीं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट में रह के कोई भी। एक थंबनेल के लिए पिक्चर लेना है, रुकते हैं कहीं पे। हाँ ओके, ओह माय गॉड, गन्ना का खेती है, गन्ना का लग भी जाए, गन्ना का जैसा, हाँ लग भी जाए गन्ना जैसा। चित्र नाना है, किसका नाना? ग्वाटीमाला है, चित्र नाला है, बनता है ना आम पत्ती से ही है, जो आलू चाय पीते हो वो इसी पत्ती से बनता है। बट जो कुछ है टू एंड ए बट, हाँ बीच में जो है वो है ना, हाँ वो बट है, हाँ बोलते हैं, हाँ टू एंड ए बट, इसको बट बोलते हैं, ये बीच में है, टू एंड ए बट, टू एंड ए बट। काफी मेहनत मुशक्कत के बाद ये पत्ती आती है, ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर है, ये लेबर लोग बहुत मेहनत करते होंगे। हाँ ये कृषि है, इसमें उतना ही असिस्टेंट को, उतना ही मैनेजर को, सबको एफर्ट डालना पड़ता है। एब्स बन जाएगा सिक्स पैक, ऐसे रोड में अगर रोज गाड़ी चला ले, पूरे एब्डोमिनल का एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ पे। मैंने जो अपना आईफोन वॉच पहने हैं, हाँ उसमें आप काउंट कर सकते हो कि आप कितना स्टेप वॉक किए हो। एप्पल वॉच बता देता है रात तक, हाँ एप्पल वॉच बता देता है आपको कितना वॉक किए हो, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप जो गाड़ी में जा रहे हो ना, फिर भी आपको वॉक करते हुए दिखाएगा वो।
कि आपने इतना किलोमीटर वॉक किया, तो मेरे पापा का दिन में आई थिंक 25-30 किलोमीटर वॉक हो जाता है वॉच को देख के। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है? जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड। फाइनली 8-pack बन गया लगता मेरा। गुड। आपको पिक्चर चाहिए? ले लेता हूँ मैं। सो दिस इज द टी गार्डन, आप देख सकते होंगे। और अरे यार वो पत्ता जो था जो मेरे को प्लकिंग हो गया। अच्छा ये सेकंड प्रोसेस है क्या? ये फर्स्ट प्रोसेस है? नहीं वो उधर प्लकिंग हो गया, अब फिर इसमें एक वीक में 9-10 दिन का पत्ती। अच्छा ये लोग जो लेबर लोग जो निकालते हैं पत्ती वही है ना? हारू लेबर नहीं होते, वर्कर लोग, सॉरी। अरे देखो इसमें भी मम्मा ये बोला सेम। हाँ वही अभी ये होगा। हाँ अभी ये शायद प्लग हो चुका है, ये थोड़ा सा एडल्ट है शायद। नहीं यहाँ पे मास्क का जरूरत है कि कोई है नहीं। वो भी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना। मामा थोड़ा सा ऊपर करना कैमरा। हाँ वो भी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना। और मैंने कोशिश किया जो चीज़ दिखा सकता हूँ दिखाया मैंने आप लोग को। और टेलीविजन आप लोग प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग में लेके आऊँगा क्योंकि लॉकडाउन है, घर के अंदर है, मैं जो चीज़ दिखा सकता हूँ घर के। फिर आप नीचे कर दिन में ऊपर करो, जितना दिन हो सकता है मैं जितना दिन घर के अंदर घर के आसपास जो चीज़ है मैं वो चीज़ दिखा सकता हूँ आप लोग को। आई नो थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कंटेंट कुछ ना कुछ लेके आऊँ ब्लॉग में। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।